मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्य के लिए। ये जो डिसीजन लिया गया था बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक बच्चे में किसी चीज के प्रति डर नहीं रहेगा, जो फेल का ही डर नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है कि बच्चा पास होगा, उसके पास केवल एक ऑप्शन बचा हुआ है कि वो पास होगा, तो मेहनत किस चीज के लिए करेगा। सर, आज इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है कि टीचर्स को बच्चे बिल्कुल महत्व ही नहीं देते हैं, टीचर्स को टीचर समझ के रखते ही नहीं है, क्योंकि सारे कानून बच्चों के पक्ष में है। टीचर्स उनको डांट नहीं सकता है, टीचर्स उनको कुछ कह नहीं सकता है, तो ये जो सारे नजरिए हैं वो बच्चों को संगठित करते हैं कि वो अगर कुछ गलत कार्य भी कर रहा है तो टीचर्स उनको किसी चीज़ के लिए टोक भी नहीं सकता। और इन चीज़ों का जो स्टूडेंट्स है किसी भी प्रॉपर वे में देखा जाए तो वो गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। आज क्लास में टीचर जा रहा है तो रेस्पेक्ट नाम की चीज़ तो है ही नहीं। क्लास में जा रहा है तो टीचर्स कोई भी बात बोलेगा उससे पहले उसको सोचना पड़ता है कि वो अपने जो प्रॉपर वे में समझाना चाहता है वो नहीं समझा पाता है। ये देखो, बच्चे को सिक्स क्लास से तो देखिए, जब एनसीईआरटी ने या सीबीएसई ने जो भी सिलेबस बनाया है वो एक साल के लिए बनाया है, तो बच्चे को वही सिलेबस पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी इस वे में बनाया गया है कि बच्चे को प्रॉपर वे से इस तरीके से तैयारी की जाए, एक साल में ये पढ़े, नेक्स्ट ईयर वो पढ़े। फाउंडेशन वगैरह कोर्स करना है तो उसके लिए अलग से प्रिपेयर बच्चे को करनी चाहिए। सर देखिए, आजकल पेरेंट्स होता है, पहले देखो इतना एक्सपेक्ट होता था टीचर्स का हर घर में, हर पेरेंट्स, हर स्टूडेंट्स। आजकल सीधा छोटी सी भी बात होती है तो पेरेंट्स सीधा टीचर्स पे आवी होता है, किसी बात को समझना ही नहीं चाहता है, जानना ही नहीं चाहता है कि क्या बात थी। और उससे क्या होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो आगे ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे उनका एजुकेशनल क्षेत्र में बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल सर, पूरा प्रयास करेंगे कि एक टीचर्स का काम यही होता है कि बच्चा कुछ सीखे अपना पूरा। एक टीचर्स वह है जैसे एक दीपक जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, तो टीचर्स का काम भी यही है कि वो अपना पूरा सर्वोच्च न्यौछावर करके अपने जो भविष्य होता है, बच्चा होता है, उसको सुधारने में, उसको बनाने में सर्वोच्च लगा देता है। सर अनमोल जी जो इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये कार्य बहुत अच्छा बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, कि समाज के लिए, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्य के लिए।